बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, उम्मीद है कि प्रवराजन जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी। गवर्नर मक्का से फिर पाकिस्तान की मुलाकात भी की गई है इसी सिलसिले में। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल यरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने गुज़िश्ता रोज जद्दा में गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा खालिद अल फसील से मुलाकात की है। सफीर पाकिस्तान ने गवर्नर मक्का मुकर्रमा को पाकिस्तान की क़यादत, हुकूमत और आवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और महफूज और सेहतमंद माहौल में इस साल हज इंतजाम की सताइश का भी ऐलान किया गया था। सफीर पाकिस्तान ने रूट टो मक्का परवाज में पाकिस्तान को शामिल करने पर इजहार तशकीर किया और इस्लामाबाद के साथ इसका दायरा दूसरे बड़े शहरों तक भी बढ़ाने की दरख्वास्त की है। नायब वजीर हज डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने अपने दफ्तर में सफीर पाकिस्तान का खैर मुकदम किया और इस साल की तमाम तर फ्लाइट्स को इजाज़त दे दी गई। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।